नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा गुरुवार को सदन की अध्यक्षता कर रही बीजेपी सांसद रमा देवी पर की गई विवादित टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूर्व विदेश मंत्री ने ट्वीट करके आजम खान पर हमला बोला और उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। सुषमा स्वराज ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि आजम खान द्वारा बार बार दिए गए ऐसे बयान यह साबित करते हैं कि उनकी मानसिक विकृति से ग्रस्त है। कल संसद में महिला सभापति को संबोधित करते हुए दिया गया उनका बयान बदसलूकी की सारी हदें पार कर गया। संसदीय मर्यादा का तकाजा है कि आजम खान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बीजेपी सांसद रमा देवी ने सरकार और स्पीकर से कहा कि आजम खान को सोमवार को बिना शर्त लोकसभा में माफी मांगे। अगर वो एक माफी नहीं मांगते तो उन्हें 5 साल के लिए निलंबित कर दिया जाए। वहीं स्पीकर ओम बिरला आजम खान को सोमवार के बिना शर्त माफी मांगने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आजम माफी मांगने से कतराते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। आजम खान के मामले पर स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में शुक्रवार को एक बैठक हुई। बैठक में सांसद रमा देवी, दानिश अली, सुप्रिया सूले, अधीर रंजन चौधरी और अन्य पार्टी के नेता शामिल है। इसके अलावा TDP के सांसद जयदीप गल्ला और DMK सांसद कनिमोझी भी इस बैठक का हिस्सा बने। कई महिला सांसदों ने लिखित में शिकायत करते हुए आजम खान को सस्पेंड करने की भी मांग की। सांसदों ने ओम बिरला से मांग की है कि आजम खान को सदन के सामने बिना शर्त माफी नहीं मांगे तो उन्हें सस्पेंड किया जाए या फिर स्पीकर उन पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट,